स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इशू में फ्रेंड्स बताने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक कैसे करेंगे। आज की इशू में फ्रेंड्स देखेंगे, अगर आपका पहले से आधार कार्ड लॉकेड है तो वो आधार कार्ड को अनलॉक करना चाहते हैं वो भी काम आप कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का आधार कार्ड से रिलेटेड फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करते तो वो आप काम करवाने के लिए सबसे अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक होता तो वो बायोमेट्रिक आपको डिसेबल करना पड़ेगा, यानी कि वो बायोमेट्रिक को अनलॉक करना पड़ेगा तब वो काम आपका हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप आधार कार्ड से पेटीएम के वैसे करवा रहे हैं, आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक वहाँ पे लॉक है तो वो बायोमेट्रिक आपको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट के थ्रू वहाँ पे आपका केवाईसी हो पाएगा। इसलिए पहले आपको बायोमेट्रिक वहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आप केवाईसी करवा पाएंगे। ये इसका प्रोसेस है। सो आज की सुनो फ्रेंड्स, दिखाने वाला आधार कार्ड का बायोमेट्रिक यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अनलॉक और लॉक कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने छोटे तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को दो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन को प्लेस लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए आपको कोई सा एक साइड यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आधार कार्ड से साइड ओपन कर लिया, आपको देखिए इस साइड पर आधार पड़ेगा UIDAI.gov.in। इस साइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल साइड, यहाँ पे आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम आप यहाँ से आसानी तरीके से कर सकते हैं विदाउट शॉप जाए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको नीचे से स्क्रॉल करना तो देखिए आपको यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे आ जाना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक देखिए आपको देखिए लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, यहाँ से अपने बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ताकि अगर आपका एग्जाम्पल के लिए आपका आधार कार्ड खोया जाता है या कहीं चोरी हो जाता है तो वो बंदा आपके आधार कार्ड को यूज ना कर पाए, तो इसीलिए आपको बायोमेट्रिक यहाँ पे अनलॉक करके या लॉक करके रख देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, इसके ऑप्शन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के पास आपके पास यहाँ पे पेज आपके पास खुल के यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। देखो मेरा नेट थोड़ा यहाँ पे स्लो चल रहा है। इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, यहाँ पे आपको इसके सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस आपको दिखाया गया। ये गाइडलाइंस को यहाँ से आपको सही तरीके से आपको पढ़ भी लेना है, सही तरीके जो कि मैं पढ़ूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़कर नहीं दिखाऊंगा। इसके देखिए ये टर्म कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद देखिए लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे इंटर 12 डिजिट आधार नंबर या वर्चुअल आईडी, आपके पास दोनों में कोई है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। जैसे मेरे पास आधार नंबर है, मैं आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ये कैप्चा यहाँ पे दिखा दे रही है, कैप्चा को इस बॉक्स में आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको टू ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड ओटीपी और यहाँ पे इंटर TOPT, इसके ऑप्शन से मार सकते हैं। जैसे मेरे पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर मिल गया, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। चलिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फटाफट से सारी डिटेल्स को यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पर है इसके 6 करेक्टर का OTP जाएगा, वो OTP को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। चलिए जो मेरे पास यहाँ पे OTP है, OTP को यहाँ पे फटाफट से OTP को फिल कर ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मेरा प्रोसेस था यहाँ पे आधार बायोमेट्रिक लॉक करने का, वो बायोमेट्रिक यहाँ पे मेरा देखिए लॉक हो चुका। इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखा जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक। अगर यहाँ पे देखिए मेरा जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे लॉक हो चुका, मेरा आधार कार्ड खोया जाता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा आधार कार्ड कोई भी वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आपको यही डिसेबल करना है तो, यानी कि इसको अनलॉक करना है तो, अगर यहाँ पे फॉर्म आपने किसी तरह का अप्लाई करा है तो वो फॉर्म को काम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये बायोमेट्रिक को अनलॉक करना पड़ेगा, तभी वो काम आपको यहाँ पर हो पाएगा। अनलॉक करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, देखिए यहाँ पर इनेबल लॉकिंग फेस्टिंग, इसके ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास देखिए यहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक है वो देखिए यहाँ पे योर बायोमेट्रिक इज़ लॉक सक्सेसफुल, यानी कि आपका ये बायोमेट्रिक यहाँ पे देखिए अनलॉक हो चुका है। आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा पूरी डिटेल्स, आप यहाँ देख सकते हैं बायोमेट्रिक योर लॉकड सक्सेसफुल, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन के बटन पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे देखिए वो डिसेबल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर चाहते हो तो मेरा वहाँ पे आधार कार्ड वहाँ पे अनलॉक करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप काम यहाँ पे आसानी तरीके कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे माई आधार के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर आधार सर्विसेज का ऑप्शन पर इसके देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा बायोमेट्रिक यहाँ से लॉक कर सकते हैं अनलॉक कर सकते हैं, जो आपको यहाँ प्रोसेस मैंने दिख रहा था। इसके नीचे देखिए अगर आधार कार्ड आपका यहाँ पे लॉक करना चाहते हैं अनलॉक करने से, देखिए यहाँ पे आपको आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा।
इसके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल के यहाँ रिडायरेक्ट करा दिया है। देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस, ये ऑप्शन देखा जाएगा। इसका देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखे, यहाँ पे आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, इस बटन के क्लिक करना पड़ेगा ये पॉइंट पे। इसका देखिए आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे जो आधार कार्ड का नेम है वो नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे देखा जाएगा, ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डाल के अपने आधार कार्ड को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। वो आधार कार्ड आपका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर चाहते आपका आधार कार्ड लॉक हो चुका है तो आधार कार्ड को अनलॉक करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे अनलॉक UID के ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन पे आपको देखिए यहाँ पे वर्चुअल आईडी डालना पड़ेगा, जो आपका वर्चुअल आईडी कर रहता है आधार नंबर डालना पड़ेगा। वर्चुअल आईडी रहेगा तो वो वर्चुअल आईडी डालेंगे। इसके बाद देखिए ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आपको टू ऑप्शन आएगा, सेंड OTP, इंटर TOTP, इसके माध्यम से दोनों में कोई सा ऑप्शन मंगा सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास OTP आएगा, OTP फिल करेंगे तो वहाँ पे आधार कार्ड आपका लॉक रहेगा, तो वो आधार कार्ड वहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। अगर किसी कोई तरह काम करवाते हैं तो आधार कार्ड से रिलेट, इसलिए आपको आधार कार्ड अनलॉक करके रखना पड़ेगा, यानी कि डिसेबल करके रखना पड़ेगा, तभी वो काम आपका वहाँ पर हो जाएगा। सो ये आधार कार्ड लॉक करने का, अनलॉक करने का ये प्रोसेस यहाँ पे आपको देखा जाता है। इसलिए आपको ये सर्विसेज का ऑप्शन पे सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो काम करवाना है ये आधार कार्ड के ऑफिशियल साइड है, यहाँ से ये सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं। सो आई होप की वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।